देवबंद थाना क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में भाजपा नगर अध्यक्ष विपिन गर्ग और डॉक्टर इंद्रराज में प्रसूति विभाग में पानी न होने को लेकर आपस में नोकझोंक हो गई, जिस पर डॉक्टर इंद्रराज ने विपिन गर्ग पर धमकाने का आरोप लगाते हुए अस्पताल के स्टाफ के साथ काम बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नगर अध्यक्ष विपिन गर्ग ने डॉक्टर पर दुर्व्यवहार करने और सही तरीके से काम न करने का आरोप लगाया। बाद में भाजपा विधायक ब्रजेश सिंह, एसडीएम देवेंद्र कुमार पांडे और एसएचओ यज्ञदत्त शर्मा ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। साजिद खान के साथ अफजल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कोई प्रदर्शन नहीं था पहली बार, ना ही कोई आंदोलन था, ना ही कोई होता। मैंने आपको बताया कि प्रसूति विभाग में न पानी न आने की सूचना मेरे नगर अध्यक्ष को मिली थी, किसी के द्वारा दी गई थी। मेरे नगर अध्यक्ष वहाँ पहुँचे, वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक से बात हुई, उन्होंने कहा कि मोटर में कुछ खराबी थी, उसको तत्काल प्रभाव से उन्होंने ठीक कराने के आदेश भी दे दिए हैं। इस कारण थोड़ी दिक्कत हुई होगी किसी एक बिंदु को लेकर, थोड़ी बहुत ही चिकित्सा अधीक्षक के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति बन गई होगी, लेकिन दोनों पक्ष सहमत हैं। इस समय कोरोना की स्थिति है, कोरोना के समय में ना मेरे संगठन के कार्यकर्ता, ना हम और ना हमारी सरकार के कोई चिकित्सा विभाग के कोई अधिकारी, कोई ऐसी बात नहीं थी। दोनों पक्षों के जो विवाद था, एक किसी बात को लेकर के हल्की सी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वो हम सभी वरिष्ठजनों ने बैठ करके उस निराकरण कर दिया। पूरा सौहार्दपूर्ण माहौल है, सभी चिकित्सालय के सभी चिकित्साकर्मी पूर्ण रूप से अपने अपने कार्य में संलग्न है, टेस्टिंग का काम चल रहा है।